welcome back to my channel. I hope you all are doing well. So guys, तो जो आज का वीडियो होने वाला है स्पेशली मेरे टीनेजर्स YouTube फैमिली के लिए होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ टीनेजर स्कूल कॉलेज ऑफिस गोइंग गर्ल्स लाइफ स्टाइल एंड ब्यूटी हैक्स. एंड ये जो ब्यूटी हैक्स है गाइज, ट्रस्ट मी, अगर आप इसे अपने डेली रूटीन में ऐड कर लेते हो, इससे आपका लाइफ स्टाइल बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाएगा, बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा. एंड जो टीनेज टाइम होता है ना, उस टाइम पे हमें हमारी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं, हमारे स्किन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने लगती हैं. एंड ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना, हमें पता नहीं होती हैं, जिसकी वजह से हम खुद को किसी के सामने प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं, अनकंफर्टेबल फील करते हैं. एंड ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, हर एक लड़की को पता होनी चाहिए. अगर आप कॉलेज गोइंग कर लो, टीनेजर स्कूल गोइंग कर लो, हर एक लड़की को ये चीज़ पता होनी चाहिए. तो जो गलतियाँ मैंने अपने टीनेज के टाइम पे की है ना, वो सारी गलतियाँ आप सब ना करो. इसलिए वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखना एंड वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना. सो गाइज, तो टिप नंबर 1 इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एवरी गर्ल, जो कि हर एक लड़की को ये चीज़ कैरी करना चाहिए. अगर आप कॉलेज जाते हो, स्कूल जाते हो, ऑफिस जाते हो, कहीं भी जाते हो, आपके बैग में ये चीज़ हमेशा एक इमरजेंसी किट होना ही चाहिए, जिसके लिए आप एक पाउच ले लो. पाउच के अंदर आप अपने 2-3 पैड्स रख लो एंड उसके अंदर आप एक पैंटी डाल सकते हो इमरजेंसी के लिए. एंड इस तरह के आप पैकेट्स रख सकते हो, जो कि आपको ऑलरेडी पैड के साथ ये मिलते हैं. अगर आपको पैड चेंज करने की नीड हो तो आप इसमें डाल के उसको थ्रो कर सकते हो ईजिली. एंड ये स्टिक करने वाला होता है, इसलिए बिल्कुल भी ये मैसी नहीं होता है. तो इस तरह से आप अपना एक इमरजेंसी किट रेडी कर सकते हो. अगर आप कॉलेज जाते हो, स्कूल जाते हो, ऑलवेज ये आपके बैग में होना ही चाहिए, क्योंकि इमरजेंसी आपकी कब आ जाए किसी को नहीं पता. और एक दूसरे से फिर मांगना और पूछना वो चीज़ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, तो खासकर टीनेजर्स के टाइम पे. तो ये चीज़ आपको ऑलवेज अपने बैग में कैरी करना चाहिए एंड ये बहुत ही अच्छा एक गुड हैबिट होता है. हर एक लड़की के पास ये चीज़ होना ही चाहिए. कॉलेज के टाइम पे, स्कूल के टाइम पे हमारे जो बालों की होती है बैंड बच जाती है. उस टाइम पे बहुत ज़्यादा धूप होता है, स्वेटिंग होता है एंड उसकी वजह से हमारे बाल बहुत ज़्यादा रफ एंड ड्राई हो जाते हैं, हेयर फॉल की प्रॉब्लम हो जाती है एंड इस तरह से हमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं अपने बालों में. सो इस कंडीशन मैं प्रेफर करती हूँ ऑयलिंग करना एंड उसके लिए मैं यूज़ करती हूँ क्लोविया बोटैनिका का अनियन सीड ऑयल, जो कि कोल्ड प्रेस्ड ऑयल है ये. इसका टेक्सचर बहुत ही अच्छा है, वाटरी है, ज़्यादा थिक नहीं है. एंड इसको मैं डायरेक्टली अपने स्कैल्प में अप्लाई करती हूँ. आपको वीक में ऑयलिंग अच्छे से एक बार ज़रूर करना चाहिए, जो कि आपके बालों को हेल्दी रखता है, क्योंकि कॉलेज के टाइम पर हमारे बाल बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं, उसकी वजह से हमारे बाल गिरने लगते हैं, बालों में एकदम ड्राइनेस आ जाती है एंड वो रफ हो जाते हैं. इसलिए मैं अनियन सीड ऑयल यूज़ करती हूँ, जिससे कि हमारे बालों में रीग्रोथ होगा, जो भी आपके अगर हेयर फॉल हो रहे तो वो उसको कंट्रोल करेगा एंड आपके बालों को हेल्दी रखता है ये. एंड ये आपके बालों में नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा. अगर आपको प्रीमैच्योर ग्रेइंग हेयर की प्रॉब्लम हो रही है, डैंड्रफ की प्रॉब्लम हो रही है, तो इन सारी प्रॉब्लम्स को ये सॉल्व करेगा. एंड ये नेचुरल इंग्रेडिएंट से बना है, इसमें कोई भी हार्मफुल केमिकल्स नहीं यूज़ किए गए एंड गुडनेस ऑफ आयुर्वेदिक है ये. इस तरह से आपको अपने बालों में, अपने स्कैल्प में अप्लाई करना है एंड इसे आप ओवरनाइट के लिए रहने दो. अगर आप वीक में 2 बार ऑयलिंग नहीं कर पाते हो, एटलीस्ट आप वीक में 1 बार ऑयलिंग करना, जो कि आपके बालों को हेल्दी रखता है. एंड इस प्रोडक्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, तो आप वहाँ से जाकर चेक कर सकते हो. स्किन केयर इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो टीनेज के लिए बहुत ही कम प्रोडक्ट्स होने चाहिए. सबसे पहले आप फेस वॉश कर लेना, कोई भी माइल्ड फेस वॉश लेके फेस वॉश कर लेना. देन आपको अप्लाई करना है टोनर. टोनर के लिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया है बायोटिका कुकुम्बर टोनर, जो कि पोर टाइटनिंग टोनर, ये आपके पोर्स को टाइटन अप रखता है. एंड आपको बहुत ही लाइट मॉइस्चराइजर यूज़ करना है, तो मैंने बेबी जॉनसन्स यूज़ किया. अगर आप चाहो तो पॉन्ड्स का लाइट मॉइस्चराइजर यूज़ कर सकते हो. देन आपको अप्लाई करना है अपने लिप्स को मॉइस्चराइज करने के लिए लिप बाम. लिप बाम इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइस, क्योंकि लिप्स बहुत ज़्यादा चैप्ड हो जाते हैं. देन आपको अप्लाई करना है सनस्क्रीन. आपको कहीं भी जाने से 20 मिनट्स पहले ही सनस्क्रीन अप्लाई करना होता है. तो इस तरह से आप अपने पूरे फेस पे, अपने नेक एरिया पे सनस्क्रीन को अच्छे से अप्लाई करो. ये आपके स्किन को डैमेज होने से बचाएगा, यूवी रेज से आपका प्रोटेक्ट करेगा, एक बैरियर का काम करता है आपके स्किन पे ये. सो गाइस, तो हमें मेकअप करना बहुत ज़्यादा पसंद होता है, बट हम स्कूल टाइम में मेकअप करके नहीं जा सकते हैं. आप अपने फीचर को इन्हेंस कैसे कर सकते हो, इस कंडीशन में आप यूज़ कर सकते हो बहुत ही लाइट प्रोडक्ट. आप यूज़ कर सकते हो पॉन्ड्स का बेबी क्रीम या फिर सीसी क्रीम. बहुत ही कम अमाउंट में आपको अपने फेस के ऊपर डॉट डॉट करके अप्लाई करना है एंड उसको फिंगर्स की हेल्प से ब्लेंड कर लेना. एक तो फिंगर्स की हेल्प से वो नेचुरल लुक लगता है एंड ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करने का हमारे पास टाइम भी नहीं होता है कि हम उसको गीला करें देन उसको यूज़ करें. एंड अपने बेस को सेट करने के लिए आप यूज़ कर सकते हो लैक्मे का सन एक्सपर्ट SPF 50 कॉम्पैक्ट. एंड ये आपके बेस को भी सेट कर देगा, आपके स्किन पर ये स्वेट भी नहीं आएगा एंड ये आपके स्किन को सन से भी प्रोटेक्ट करेगा, तो एक बैरियर का भी काम करेगा आपके स्किन पर ये.
मैं आप यूज़ कर रही हूँ टिंटेड लिप बाम। ये है मामाअर्थ का टिंटेड लिप बाम एंड ये बहुत ज़्यादा नेचुरल लुक लगता है इससे। एंड सेम लिप बाम को मैंने अपने चीक बोन्स के भी ऊपर अप्लाई कर लिया एंड उसको मैंने अच्छे से ब्लेंड कर दिया। एंड ये कोई भी पकड़ नहीं पाएगा कि आपने अपने चीक बोन्स के ऊपर भी कुछ अप्लाई किया हुआ है, क्योंकि बहुत ज़्यादा नेचुरल लगता है। एंड आप चाहो तो इसमें काजल अप्लाई कर सकते हो या फिर मस्कारा ऐड कर सकते हो। एंड इस तरह से आपका एक नेचुरल मेकअप लुक भी रेडी है। सो स्कूल टाइम में क्या होता है ना, अगर हम किसी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हैं तो हम अच्छे से उस गेम को एंजॉय नहीं कर पाते, क्योंकि हमारी जो स्कर्ट होती है ना वो इधर उधर जाती है एंड हवा बहुत तेज चले तो वो उड़ने लगती है। तो इस कंडीशन में आप क्या कर सकते हो, आप इस तरह की लॉन्ग स्पोर्ट्स वेयर पैंट यूज़ कर सकते हो, जिससे कि आप बहुत ज़्यादा कम्फर्टेबल रहोगे एंड आप अपने गेम को भी इंजॉय कर पाओगे। अगर आपको बैड ऑडर की प्रॉब्लम हो रही है, आपके शरीर से बदबू आ रही है, तो इस तरह से आप तो खुद अनकंफर्टेबल फील करोगे ही, साथ में जो आपके पास बैठा रहता है वो भी बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील करता है। एंड फिर आपके फ्रेंड्स आपसे दूर भागने लगते हैं एंड वो भी आपके पास फिर बैठना नहीं चाहते। तो इस कंडीशन में आप पैसे इन्वेस्ट करो परफ्यूम्स में। इस तरह के आप मिनी परफ्यूम्स यूज़ कर सकते हो। तो ये है निविया का रोल ऑन। तो आप इसे शावर लेने के बाद से जस्ट अपने अंडर आर्म्स में इस तरह से रब करो एंड यू आर गुड टू गो। एंड ये बहुत ही अच्छा स्मेल करता है। एंड कॉलेज एंड स्कूल टाइम्स के लिए आप इस तरह के मिनी परफ्यूम्स कैरी करो, जो कि स्प्रे फॉर्म में आते हैं एंड ये पॉकेट फ्रेंडली होते हैं, बहुत ज़्यादा इजी होते हैं यूज़ करने में भी एंड आप इसे कहीं भी रख के कैरी कर सकते हो इजीली। एंड जब कॉलेज एंड स्कूल की छुट्टियां होती हैं तब धूप बहुत तेज होती है, एकदम कड़कड़ाके की धूप होती है एंड उस टाइम पे हमारी बॉडी, हमारी स्किन, हमारे हेयर, हर एक चीज़ डैमेज हो जाते हैं एंड उसका हो जाता है बुरा हाल। एंड इस कंडीशन में आप क्या कर सकते हो, आप इस तरह की यूज़ कर सकते हो कॉटन स्कार्फ एंड इससे आप अपने पूरे बालों को अच्छे से कवर करो, अपने फेस को अच्छे से कवर करो एंड आप कोशिश करो कि आप बड़ा दुपट्टा लो, क्योंकि बड़े दुपट्टे में आप अपने हैंड्स को भी कवर कर सकते हो एंड अपने बालों को भी अच्छे से कवर कर सकते हो, क्योंकि धूप की वजह से आपके बाल, आपके हैंड्स वो भी टैनिंग हो जाते हैं एंड आपके बालों की तो बुरी हाल हो जाती है। तो आप इस तरह से कॉटन के दुपट्टे में पैसे इन्वेस्ट करो, जो कि ब्रीथेबल होते हैं कॉटन के दुपट्टे एंड समर्स के लिए तो बेस्ट होते हैं कॉटन। एंड जब हमारा टीनेज टाइम होता है ना, उस टाइम पे हमारी बॉडी ग्रो करती है एंड बहुत सारी लड़कियां उस टाइम पे ब्रा नहीं पहनती, जिसकी वजह से उनका निप्पल शर्ट के ऊपर शो होने लगता है एंड उस कंडीशन में आपको ब्रा पहनना शुरू कर देना चाहिए। एंड आप इस तरह के ब्रा में इन्वेस्ट कर सकते हो, जो कि कॉटन के ब्रा होते हैं एंड उसके ऊपर से आप कैमिसोल्स पहन सकते हो या फिर आप ट्यूब ब्रा वेयर कर सकते हो, जो कि बहुत ज़्यादा कम्फर्टेबल रहता है। जो टीनेज टाइम होता है ना, उस टाइम पे बॉडी हेयर रिमूव करने के लिए आप इस तरह से इजिली एलोवेरा जेल अप्लाई करो एंड रेजर की हेल्प से आप अपने बॉडी हेयर को रिमूव कर सकते हो इजिली, क्योंकि टीनेज के टाइम पे स्टार्टिंग स्टेज होता है एंड उस टाइम पे हर एक लड़की डरती है कि अगर हम रिमूव करेंगे तो फिर हमारे बॉडी हेयर ज़्यादा आएंगे, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अपने अंडर आर्म्स की हेयर भी ऐसे इजिली रिमूव कर सकते हो एंड उसको वॉश करने के बाद से आप अगेन एलोवेरा जेल अप्लाई करो एंड उसको मॉइस्चराइज रखो अच्छे से। जब भी आप बाहर से घर पे आते हो अपने फेस को डबल क्लीन किया करो, क्योंकि पूरे दिन धूप में रहने की वजह से स्वेट है एंड ऊपर से मेकअप, इन सारे चीज़ों का मिक्स हो जाता है एंड आपका फेस बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाता है। तो इस कंडीशन में आप अपने फेस को डबल क्लीन किया करो। सबसे पहले मैं यहाँ पे ऑयल का यूज़ करती हूँ अपने मेकअप को रिमूव करने के लिए एंड उसके बाद से आप फेस वॉश, कोई भी माइल्ड फेस वॉश यूज़ कर सकते हो एंड इससे आप अपने फेस पे 30-35 मिनट्स अच्छे से मसाज करो, जिससे कि आपका फेस अच्छे से पूरा क्लीन हो जाता है एंड जो भी डॉट पोल्यूशन होगा सब कुछ अच्छे से रिमूव हो जाएगा। धूप में बहुत ज़्यादा जाने की वजह से आपका फेस बहुत ज़्यादा रेड हो जाता है, इरिटेशन होने लगती है, इचिंग की प्रॉब्लम होने लगती है। तो इस कंडीशन में आप यूज़ कर सकते हो प्लांटेड फ्रेश एलोवेरा जेल एंड इसको आपको अपने पूरे फेस के ऊपर 1 मिनट तक रब करना है एंड उसको छोड़ देना जब तक एब्जॉर्ब ना हो जाए इस तरह से, एंड इससे आपका पूरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा एंड ये आपके पिंपल्स की प्रॉब्लम को भी सॉल्व करता है। हम कितना भी कुछ कर ले पर हमारे फेस पे टैनिंग आ ही जाती है, हमारी बॉडी पर टैनिंग हो ही जाती है। तो इस कंडीशन में आप यूज़ कर सकते हो ये वाला फेस मास्क। इसके लिए आपको चाहिए थोड़ा सा बेसन एंड उसमें आपको ऐड करना है दही एंड थोड़ा सा हल्दी एंड उसमें आपको ऐड करना है टमाटो जूस। इन सबको अच्छे से मिक्स करके आप अपने पूरे बॉडी पे, अपने फेस पे अप्लाई कर सकते हो सेम मास्क को एंड आप चाहो तो इसे डेली भी अप्लाई कर सकते हो एंड 10 मिनट रखने के बाद से आप अपने फेस को वॉश कर लो। तो आई होप आप लोगों को ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। सो बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।